Hello, BCom students, welcome back. So today we are going to start our new lecture, lecture number 11 or sum number 37, valuation of goodwill. Clear? So sum number 37 हम देख लेते हैं क्या है और यहाँ पे आपको additional point हम सीखने वाले हैं कि debenture का interest भी यहाँ पे minus होने वाला है. इस वजह से मैं आपको ये पूरा sum करवा रहा हूँ. बाकी restfully पूरा sum same to same है और आपको सीखना है तो very good. आप पूरा वीडियो देखिए अच्छे से. तो चलिए विदाउट टाइम में सम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे द बैलेंस शीट ऑफ आदित्य लिमिटेड दी है और उसको रीवैल्यू वैल्यू करके हम गुडविल निकालेंगे. तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं. इक्विटी दिया है जो किसी काम का नहीं रहता है. हमारा प्रेफरेंस शेयर दिया है जो हम जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा उसमें से माइनस कर देंगे तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ जाने वाला है. रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व दोनों किसी काम के मेरे पास नहीं है. मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए मुझे ये दोनों कोई काम के लगने नहीं वाले हैं. बाकी नॉन करंट लायबिलिटी में आपके 50% डिबेंचर दिए है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है जिसमें WPSF ये हम लेते हैं, डेप्रिसिएशन फंड दिया है हमको, ये हम रिवैल्यू के टाइम इसको काउंट करेंगे. करंट लायबिलिटी दिए, क्रेडिटर्स प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन दिया है आपको, और नॉन करंट एसेट में आपको टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दिया है, और इंटेंजिबल में गुडविल दिया है आपको जो कि हमको लेना नहीं है. पेटेंट का आगे देख लेते हैं किस तरह से मतलब पेटेंट दिया क्या है, कितने अगर 3 इयर्स के लिए कि 4 इयर्स के लिए वो एडजस्टमेंट में देख लेते हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 10% इन्वेस्टमेंट बोला है. अब ये 10% इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है हमको क्लासीफाई नहीं किया है तो हम इसको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मान लेंगे. और अदर नॉन करंट एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमको दिया गया है जो कि हम काउंट नहीं करते एट द टाइम ऑफ गुडविल हमको निकालनी है. तो ये वाला एक्सपेंसेस हम काउंट नहीं करेंगे टोटल एसेट में. स्टॉक डेटर्स बैंक बैलेंस ये तीनों हमको काउंट करनी है. और छोटी सी सिर्फ 3 एडजस्टमेंट हमको दी गई है और उसके बेसिस पे हमको कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेस ऑफ इट्स सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स. लास्ट 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 5 साल के लिए गुडविल निकालो. क्लियर? और एडजस्टमेंट हमको 3 कौन सी दे दी गई है वो हम देख लेते हैं. सबसे थर्ड एडजस्टमेंट है वो प्रॉफिट के लिए है तो जब प्रॉफिट निकालूंगा तब मैं ये पॉइंट आपको करवाऊंगा. और सेकंड पॉइंट आपको रेट ऑफ रिटर्न का दिया गया है तो रेट ऑफ रिटर्न निकालूंगा तब मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा. तो सबसे पहली वाली एडजस्टमेंट जो मेरे लिए काम के लिए है क्योंकि फर्स्ट स्टेप मेरा रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 1,50,000. अब 1,50,000 अब तक मैंने यहाँ तक रीड किया है क्योंकि पेटेंट आर वर्थलेस है तो पेटेंट की वैल्यू तो जीरो हो जाती है. अब बिल्डिंग यहाँ पे देखते हैं मेरे पास थी कितने की, 2 लाख रुपए की थी और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,50,000. तो डेप्रिसिएशन फंड भी मेरे को यहाँ पे दे दिया गया है तो ये इसका क्या करूं मैं. तो जब कभी भी आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दे तो आपको ये डेप्रिसिएशन फंड को इग्नोर करना है और डायरेक्ट वैल्यू जो भी आपको दे दी गई है 1,50,000 वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे. तो बिल्डिंग आपका कितना है, 1,50,000. अब मशीनरी का कोई भी इन्होंने पॉइंट नहीं बोला है, ठीक है ना, मशीनरी का कुछ भी पॉइंट नहीं बोला है. तो 1,20,000 ये इसका वैल्यू बुक वैल्यू हम ले लेंगे और इसमें से बुक वैल्यू का डेप्रिसिएशन है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे. तो 1,20,000 माइनस 20,000 करेंगे तो वैल्यू मेरी आएगी 1,00,000 रुपीज. क्लियर? उसके बाद स्टॉक का कोई भी पॉइंट नहीं बोला है इन्होंने. बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, गुडविल हमको लेना नहीं है, पेटेंट का वैल्यू जीरो हो गया, इन्वेस्टमेंट हमको बोला नहीं है तो मैं उसको नॉन ट्रेडिंग मान रहा हूँ, प्रिलिमिनरी हम लेते नहीं है. अब बचते हैं मेरे पास ये तीनों आइटम, स्टॉक डेटर बैंक बैलेंस. तो ये मैं इस पर बुक वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टॉक डेटर बैंक बैलेंस. तो स्टॉक का वैल्यू 75, 60 और 50 है. स्टॉक का वैल्यू 75,000, डेटर का 60,000 और बैंक बैलेंस का 50,000. तो ये एज पर बुक वैल्यू मैं इसको काउंट कर लूंगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसके लिए एडजस्टमेंट नहीं थी तो मैं एज पर बुक वैल्यू वैल्यू ले सकता हूं. तो 1,50,000 प्लस 1,00,000 रुपीज प्लस 75,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 तो टोटल मेरा एसेट आ जाता है 4,35,000 का. अब लायबिलिटी साइड में देखूंगा तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड 15% डेबेंचर आपको 50,000 वाले लेने,
उसके बाद लॉन्ग टर्म में WPS परमानेंट प्रॉफिट शेयरिंग फंड आपको लेना है 32,500। फिर डेप्रिसिएशन फंड दोनों कवर हो गए, क्रेडिटर 30,000 और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 37,500। तो क्रेडिटर 30,000 और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 37,500 आपको लेना है। तो टोटल आपका कितना आता है, 50,000 प्लस 32,500 प्लस 30,000 प्लस 37,500, तो 1,50,000 रुपए का आपकी टोटल लाइबिलिटी आती है। तो 4,35,000 अगर मैं माइनस करूं तो मेरा ग्रोस जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है वो 2,85,000 आ रहा है। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% वाले 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 1,85,000। क्लियर। अब मैं निकालूंगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,85,000 और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है इन्होंने, तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए पॉइंट इन्होंने दिए द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस। मतलब ये जो बिजनेस चल रहा है उसका सिमिलर बिजनेस जो मार्केट में चल रहा है उसका डिविडेंड 24% है, जो कि ट्वाइस है इसके पेड अप एलोकेट। ट्वाइस है तो मतलब 24 का कर दोगे डिवाइड बाय 2, 12%। तो ये आपका 24 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 12 आया, वो 12% आपका रेट ऑफ रिटर्न आया, क्योंकि इसने बोला ट्वाइस इसके लिए। तो 1,85,000 का 12% करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आता है 22,200 रुपया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने एवरेज प्रॉफिट दिया है। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 4 इयर्स बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर। मतलब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर भी इसमें से माइनस नहीं किया। हम तो नॉर्मली नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो माइनस करते ही थे और टैक्स भी माइनस करते थे और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है वो भी इन्होंने माइनस नहीं किया, तो वो हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर ना। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो मुझे, और ना ही यहाँ पे इन्होंने वेट दिया है, तो मेरा यहाँ पे नॉर्मल जो वेट एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड है वो मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो ईयर आपको 2020 से लेकर 2024 तक मैंने लिख लिया है और प्रॉफिट भी यहाँ पे लिख दिया है। तो प्रॉफिट का सबसे पहले मैं टोटल कर लेता हूँ। तो टोटल मेरा प्रॉफिट आता है 3,86,000। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 3,86,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 96,500 आया। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 15% डिबेंचर इंटरेस्ट 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये 15% अगर मैं करूँ तो 7,500 आ रहा है। अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा, 89,000 बचा। अब 89,000 में से मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मेरी है 10% इन्वेस्टमेंट है 30,000 की, तो 30,000 का 10%। तो 30,000 का 10% करूंगा मैं तो 3,000 आ रहा है। 89,000 माइनस कर दूं तो 86,000 मेरा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर इंटरेस्ट। ओके। अब इस पे मैं करूंगा माइनस टैक्स 50%, तो 86 का डिवाइड बाय 2 ही कर दूं मैं, 43,000 आया। तो ये यहाँ पे मेरा जो आंसर आया 43,000, मैंने 50% टैक्स माइनस कर दिया। अब मेरे पास जो आंसर आया, प्रॉफिट आया, मतलब वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब यहां से मैं माइनस करूंगा डिविडेंड,
प्रेफरेंस शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं हम यहाँ पे कितने परसेंटेज वाले हैं, 12% वाले हैं और वैल्यू लाख रुपए है, तो लाख का अगर 12% करूंगा तो 12,000 आता है। यहाँ पे 12,000 में माइनस कर देता हूँ तो 43,000 में 12,000 यहाँ पे माइनस हो गया तो 31,000 यहाँ पे वैल्यू आया। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू आया तो देयर फोर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 31,000। क्लियर? अब फोर्थ में निकालूंगा सुपर प्रॉफिट, तो मेरा जो भी एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से माइनस कर दूंगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 31,000 का आया और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मैंने कितना सोचा था, 22,200। यहाँ पे 22,200 माइनस कर दूंगा मैं यहाँ से, तो टोटल मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है 8,800 का। अब मैं निकालूंगा गुडविल 5 ईयर्स के बेसिस पे, तो जो भी मेरा सुपर प्रॉफिट आया उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ इयर्स के साथ, तो सुपर प्रॉफिट मेरा 8,800 आया और नंबर ऑफ इयर्स मेरे हैं 5, तो 44,000 की मेरी क्या आई, गुडविल आई। क्लियर? यहाँ पे गुडविल आप देख लो आंसर में कितना आ रहा है, 44,000। तो यहाँ पे हमने सम नंबर 37 भी सोल्व कर दिया और हमारा लेक्चर नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।